अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं 2004 से इमाम हुसैन का सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मैं नजर पेशा पर आप मौजूद हूँ। देख सकते हैं आप ज़ायरीन माशाल्लाह कितनी बड़ी तादाद में अल्लाह की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे हर तरह की सबील का इंतजाम है, खाना पीना हर तरह के मशरूबात और मामूलात। ये देखिए पानी तकसीम हो रहा है और जगह जगह पे हर तरह के खाने और शरबत पानी और तमाम चीज़ें यहाँ पे तकसीम होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौला का करम है कि मौला भूखे प्यासे कर्बला में शहीद हुए, लेकिन उनके बाद से ये तहरीक चली कि हर आज़ादार मौला की ज़ियारत पे जो भी आता है उन सबको फ्री और हर चीज़ खाना हो पीना हो रहना हो हर चीज़ फ्री देता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अरबईन के मौके पे या दीगर मौके ऐसे आते हैं मखसूसी जिन पे रहने का भी इंतज़ाम किया जाता है, मौके लगाए जाते हैं, लोग अपने घर खोल देते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप सऊदी अरब में देखें तो जो लोग भी हज करने को जाते हैं हर चीज़ पे चार्ज किया जाता है। यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कई लाख रुपए लोग खर्च करके हज पे जाते हैं, इतना ज़्यादा महंगा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हर चीज़ का वहाँ पे चार्ज है। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यारत के लिए आता है बहुत ही कम और मुख्तसर पैसे लगते हैं। जो ज़्यारत आते हैं वो सब जानते हैं, हज के मुकाबले में अगर देखा जाए तो बहुत ही मुख्तसर पैसे, क्योंकि टिकट्स वगैरह अगर निकाल दिया जाए तो बिल्कुल भी समझ लीजिए कि मुख्तसर सा चार्ज हो जाता है। क्योंकि एक मुल्क से दूसरे मुल्क आने में अगर देखा जाए इन अय्याम में आया जाए तो खाना फ्री रहना फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपका जो चार्ज होता है वो टिकट का, या आप इधर से उधर कहीं गाड़ी पे जाते हैं तो उन गाड़ियों का, वरना बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी भी चलती हैं जो फ्री होती हैं लेकिन कसीर तादाद में लोग होते हैं और मुख्तसर तादाद में गाड़ियाँ होती हैं फ्री वाली, तो शायद गाड़ी फ्री ना मिल सके लेकिन खाना रहना हर एक को फ्री प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप होटल्स को छोड़ के घरों में रहते हैं, होटल्स को छोड़ करके आप मवाकिब में रहते हैं जो खुशी लाइटिंग लगाए जाते हैं तो उन सब का भी कोई चार्ज नहीं होता। अगर अंदाज़ा करें कि माशाल्लाह किस कदर आसाइश फराहम की जाती है यहाँ पर लाइटिंग के लिए और हर हर चीज़ फ्री दी जाती है, किसी भी चीज़ का चार्ज नहीं आता। हर तरह के मकूलात मशरूबात हर तरह के खाने पीने जो आप तस्वुर भी नहीं कर सकते, चिकन फ्राई फिश फ्राई और हर तरह के मतलब बता नहीं सकते कि किस किस तरह के खाने मिलते हैं इंडिया पाकिस्तान और साथ ही साथ इराक ईरान और दीगर ममालिक के खाने यहाँ पे मिलते हैं। इसी के साथ साथ अभी मैं चलता हूँ आपको ज़ियारत कराने के लिए। ये सामने रौला मुबारक मौला अलैहिस्सलाम नज़र आ रहा है। आज सभी ज़ायरीन जो आप हुजूम देख रहे हैं ज़ायरीन का, ये सब मौला को कुर्सा पेश करने के लिए आए हुए हैं। उनके बेटे इमाम हसन और उनके भाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अभी मैं रोज़े शहादत इमाम हसन और रोज़े वफात इमाम रोज़े वफात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से याद करा रहा हूँ। और मैं इमाम अली सलाम जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमाम हुसैन सलाम की एक हदीस मौजूद है कि इन्नल हुसैन मिसबाह हुदा व सकीनतुन नजा, हुसैन हिदायत का चिराग और निजात की तस्वीर है। बात हुसैन सलाम ऐसी तहरीक चली
जमाने ने ऐसे करवट बदली कि यही वो रात है जहाँ पे जुल्म मजालिम का पहाड़ तोड़ दिया जाता था। अब वही रात है कि जहाँ पे इतने ज़्यादा खिदमत गुजार मौजूद हैं, ये सब के सब मौला को करने वाले हैं, सलाम से दम भरने वाले हैं। सलाम कदम भरने वाले जितने भी जायरीन हैं, आप सब देख सकते हैं कदम ब कदम मौला के रोज़े की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ताकि ज़ियारत कर सके और उनके बेटे इमाम हसन का पुरसा पेश कर सके, उनके भाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरसा पेश कर सके। खुदाबंद आलम से यही दुआ है कि खुदाबंद आलम तमाम मोमिन मोमिनात जो ज़ियारत की ख्वाहिश तमन्ना आरज़ू रखते हैं उन सबको जल्द से जल्द ज़ियारत नसीब हो। कि मैं चेक पोस्ट की जानी पड़ रहा हूँ, ये चेक पोस्ट है, यहाँ से गुजरने के बाद एक दूसरी चेक पोस्ट आएगी, यानी मौला के रोज़े तक पहुँचते पहुँचते तीन चेक पोस्ट से गुजरना होता है, उसके बाद हम ज़ियारत को जा सकते हैं। ये एक और चेक पोस्ट है, अब मैं चेक पोस्ट से गुजर के मौला के रोज़े के करीब पहुँच चुका हूँ। السلام علیکم یا عبد الحسن، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا قائد القرآن، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مولا کے شان میں قصیدہ جو چار مصرعوں پر مشتمل ہے، زمین لب کھولتی ہے، سنگریزے بول اٹھتے ہیں، अली आवाज़ देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं, अली के इश्क में लोगों तहैया गैर मुमकिन है, ज़बान चुप हो भी जाती है तो लहजे बोल उठते हैं। ये जनाब मीसम ने करके बताया कि अली का इश्क जब उरूज पे पहुँचे तो ज़बान कटने के बाद भी कलाम करती है। मैं तीसरी और आखिरी चेक पोस्ट पर पहुँच चुका हूँ, यहाँ से गुजरने के बाद मैं रोज़े में दाखिल हो जाऊँगा, उसके बाद मैं रोज़े में दाखिल हो चुका हूँ। ये है रोज़े का खूबसूरत दिन के मुताबिक। सबसे पहले मैं पानी पीऊँगा यहाँ पर, अब मैं मौला अलैहिस्सलाम को उनके बेटे और उनके भाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरसा पेश करूँगा अपनी जानिब से, अपने अहले खाना की जानिब से, अपने दोस्त अहबाब की जानिब से और अपने तमाम टीचर्स और ससुरान ممبران اور تمام مسئولین کی جانب سے اور تمام مومنات کی جانب سے اور سب کی جانب سے انشاءاللہ میں زیارہ بھی رہوں گا۔ Yeah!
जी।